पशुपति पारस गुट के सांसद मिलने आए, राजद के विधायक मिलने आए, क्या लगता है 24 साथी आते कुछ आप खेला करेंगे क्या? खेला की बात नहीं है, देखिए कईयों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और वो अक्रॉस पार्टी लाइंस रहे हैं और उनको मैंने हमेशा अपने पिता से सीखते हुए उनको निभाया है। उसी के तहत मुलाकातें ज़रूर होती हैं, बट हाँ, क्योंकि सब राजनीति में है तो राजनीतिक चर्चाएं भी ज़रूर होंगी, स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। चिराग पासवान से आज मिलने पहुंचे हैं उनके दुश्मन पार्टी के सांसद। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की ही तस्वीरें, आज की बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं आपको चिराग पासवान और खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर और RJD के विधायक भी नज़र आ रहे हैं, यूसुफ सलाउद्दीन। तस्वीरें देखिए, दरअसल आपको बता दें कि खगड़िया के जो सांसद हैं वो पशुपति पारस खेमे में हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं। जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी दो टुकड़ों में, तब खगड़िया के सांसद जो हैं वो पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे और आज वो मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान से। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और कहा ये तक यहाँ जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में या चुनाव से पहले महबूब अली केसर जो हैं वो चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं। बहरहाल हो जो भी, लेकिन तस्वीरें इतना तो तय बता रही हैं कि मिलने पहुंचे हैं। और हालांकि चाचा और भतीजे यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के रिश्ते जब से बिगड़े हैं और भी बिगड़ते चले गए हैं और समय समय पर दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजियां करते रहते हैं और ये पहला मौका है जब पार्टी टूटी है तो मिलने पहुंचे हैं महबूब अली केसर चिराग पासवान से। जब हम न्यूज़ 4 नेशन की तेज़तर्रार महिला रिपोर्टर वन्ना कुमारी ने यह सवाल चिराग पासवान से पूछा कि दुश्मन पार्टी के सांसद मिलने पहुंचे हैं आपसे, तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। शायद ये कारण होगा कि लोग इतना साथ में जुड़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल चिराग जी, आप भले अकेले हों, आपके साथ जो लोगों का प्यार है, जो समर्थन है, वो सब लोग देख रहे हैं। पशुपति पारस गुट के सांसद मिलने आए, राजद के विधायक मिलने आए, क्या लगता है 24 साथी आते कुछ आप खेला करेंगे क्या? खेला की बात नहीं है, देखिए कईयों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और वो अक्रॉस पार्टी लाइंस रहे हैं और उनको मैंने हमेशा अपने पिता से सीखते हुए उनको निभाया है। उसी के तहत मुलाकातें ज़रूर होती हैं, बट हाँ, क्योंकि सब राजनीति में है तो राजनीतिक चर्चाएं भी ज़रूर होंगी, स्वाभाविक है। 24 को लेकर भी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। आने वाले समय में इसका असर दिखेगा क्या? मुझे नहीं पता कि इसका ही असर दिखेगा, बट तमाम मुलाकातों का, बिल्कुल तमाम मुलाकातों का और कई लोग और आएंगे जिसका असर ज़रूर 24 के चुनाव में दिखेगा। बहुत बहुत थैंक यू। साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि उनके व्यक्तिगत संबंध है इसलिए वो मिलने आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर व्यक्तिगत संबंध होंगे, लेकिन इस वक्त चुनावी सरगर्मियां जो हैं 2024 को लेकर बिहार में तेज है और ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही होगी, ज़रूर पॉलिटिकल बातें भी इस मुलाकात में होगी। और इस मुलाकात के दौरान जब महबूब अली केसर चिराग पासवान के साथ बातचीत कर रहे थे, तब उनके बेटे सह RJD के सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन भी साथ मौजूद थे और दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 30 मिनट की बातचीत जो है वो चिराग पासवान के पटना वाले घर पर हुई है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।